दुनिया भर में कोरोना वायरस का फैलाव जारी है। मूजी मर्ज से मुतासर होने वालों में रूसी वजीर आजम भी शामिल हो गए हैं। रूसी वज़ीर आज़म मिखाइल का भी कोरोना का टेस्ट मस्बत आ गया है। वायरस की तस्दीक होने के बाद उन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनका टेस्ट एक ऐसे वक्त में मस्बत आया है जब रूस में एक ही दिन में रिकॉर्ड 7,099 केसेस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद वहां मुसद्दका केसेस की तादाद 1,00,000 से तजावुज कर गई है। मिखाइल मिशुस्तिन को रवा साल जनवरी में ही वजारत उज़्मा का मनसब सौंपा गया था और वो अपने मुल्क में कोरोना वायरस से निमटने के लिए काफी मुतहरिक थे। वायरस की तस्दीक के बाद वो रूस में वायरस से मुतासरा सबसे बड़े ओहदेदार बन गए हैं। रूसी वज़ीर आज़म ने एक वीडियो कॉल के जरिए रूसी सदर को वायरस के नतायज का बताते हुए कहा है कि मुझे इत्तला मिली है कि कोरोना वायरस का जो टेस्ट मैंने करवाया था वो मस्बत आया है। उन्होंने तजवीज़ दी है कि उनकी जगह फिलहाल जिम्मेदारियां नायब वज़ीर आज़म एंट्री बोलोसोव को सौंपी जाएं, जिससे सदर प्यूटन ने इत्तेफाक करते हुए उन्हें कायम मकाम वज़ीर आज़म का ओहदा दे दिया। इस मौके पर सदर प्यूटन ने कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि जो आपके साथ हो रहा है वो किसी के साथ भी हो सकता है। आपने इस वायरस के खिलाफ बेहद मुतहरिक होकर काम किया। आपकी खिदमात लायक तशक्कुर है।